हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस उतरा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ, और साथ में देखेंगे तीन स्टॉक्स कल इंट्राडे ट्रेड के लिए। पहले देख लेते हैं आज क्या हुआ, आज कैसे कैसे ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं और कल क्या करना होगा, फिर देखते हैं। तो पहले आज देखते हैं, एक ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हुई थी यहाँ पे, ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल की यहाँ क्लोजिंग हुई है। पेंसिल कहाँ है? ये फर्स्ट कैंडल की यहाँ क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लेना था, इतना ही बड़ा टारगेट ले सकते थे 1:1 का। ये भी हमें लगता है कि 40-50 पॉइंट्स का टारगेट रहा होगा, 50 पॉइंट्स है, 50 पॉइंट्स हम इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते थे, इस लेवल तक का टारगेट ले सकते थे। इस लेवल का नहीं लेना है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल भी गई एक बार को, तब भी यहाँ पे थोड़ा छोटा सा रेजिस्टेंस है, यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती थी। अगर जो बैठे हुए थे, जो हिम्मत वाले हैं, वो यहाँ तक भी खींच सकते थे, बट हमसे पूछो कि क्या किया, तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया था अपना। फिर दूसरी ट्रेड एक मिली थी, थोड़ी सी फर्जी ट्रेड थी, चीप चीप ट्रेड, मतलब थोड़ी सी रिस्की ट्रेड थी। ये कप एंड हैंडल ऐसे बना था छोटा सा, इसका स्टॉप लॉस यहाँ डालना था, इसका टारगेट यहाँ था। इसमें भी अच्छा खासा टारगेट, मतलब इस पर भी एक मिल गया था, थोड़ा सा डाउटफुल था कि पैटर्न कंफर्म होगा, बट हो गया, अच्छी बात है। तीसरा ट्रेड मिली थी हमें ये वाला अच्छा पैटर्न था, ये हेड एंड मतलब कप एंड हैंडल बनी थी, इसकी वो भी दी थी, शॉर्ट्स पे इसकी वीडियो भी डाली थी कि इसमें ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं, और ये अपना टारगेट यहाँ तक का दिया था, ये पूरा टारगेट अचीव कर लिया। अब आज देखते हैं निफ्टी ने पूरा क्या किया। अगर निफ्टी देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे देखने को मिलता है, अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो ये हटा के लाइन चार्ट देखेंगे। लाइन चार्ट देखने में क्या पता चलता है कि निफ्टी ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है। ये है हमारा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो यहाँ से एक कन्फर्मेशन के साथ क्लोजिंग भी मिल गई है हमें। तो कल क्या करना होगा, कल अगर ऐसे अगर इसी मोमेंटम में मतलब मेंटेन रहा, तो कल थोड़े से हम लोग बुलिश रहेंगे मार्केट में। अगर इस रेंज के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है, इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, या इस रेंज के ऊपर हो सकता है शुरुआत ही हो दिन की, तो यहाँ तक का इस ट्रेंड लाइन तक का थोड़ा सा टारगेट ले सकते हैं। रिस्की भी हो सकता है कल, क्योंकि हो सकता है यहाँ से मतलब बाउंस बैक जैसे किया है, हो सकता है एक थोड़ा सा कन्फर्म वो कर रहा हो, रिटेस्ट कर रहा हो बेरिश के लिए, हो सकता है यहाँ से टकरा के दोबारा नीचे भी आ जाए, तो इससे थोड़ा सा वॉलेटाइल भी हो सकता है कल डे। अगर अच्छी ट्रेड्स लेनी चाहते हैं तो इसके ऊपर या इस लेवल्स के ऊपर अगर जब निफ्टी क्लोजिंग मिलती है, तब हम लोग लेना स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकता है बनी रहे निफ्टी में, तो निफ्टी में अगर बुलिश रहता है तो ट्रेड इग्नोर भी की जा सकती है, नहीं तो अच्छी ट्रेड्स लेना है तो इसके ऊपर ही लेना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। नहीं तो अगर चाहो, अगर इंटरटेनमेंट ट्रेड करना है, तो छोटी बहुत कैलकुलेट ट्रेड इस लेवल्स के बीच में कर सकते हैं, इन लेवल्स के बीच में कर सकते हैं, इधर से इधर के बीच में, इधर के बीच में स्कैल्पिंग ट्रेड्स ले सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की रहेगा, मतलब ज़बरदस्ती एंट्री नहीं करेंगे कल हम लोग, ज़बरदस्ती एंट्री करने का कोई मतलब नहीं है, लॉस कराएंगे बाहर निकलेंगे, इससे अच्छा एंट्री ना करो तो बेटर है। फिर देख लेते हैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखेंगे कहाँ गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी आज अच्छी ट्रेड्स मिली थी, एक ही ट्रेड मिली थी बैंक निफ्टी में, वर्थ इट था। 5 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पे एक डबल बॉटम बनते हुए दिख रहा है, ये एक डबल बॉटम बनते हुए दिख रहा है, इसका कंफर्मेशन मिला और एक अच्छा मतलब एक अच्छे मतलब नंबर्स के साथ एक अच्छा लंबा मूव मिला देखने को, 200-300 पॉइंट्स का, 400 पॉइंट का इनफैक्ट। तो बैंक निफ्टी में आज तगड़ा मूव था। तो निफ्टी में, निफ्टी से अच्छा है कि कल बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करो, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है कि अगर गैप अप खुलता है, जस्ट इन केस मार्केट गैप अप खुलती है, तो हो सकता है इन लेवल्स के ऊपर ही खुले डायरेक्ट। अगर इन लेवल्स के ऊपर खुलता है तो हमारा बस एक ये छोटी सी रेजिस्टेंस रह जाती है, जिसकी बहुत मतलब कोई इसकी अहमियत नहीं है। तो यहाँ तक का टारगेट लेके हम लोग बैंक निफ्टी में, अगर कल बुलिश रहती है मार्केट, तो निफ्टी के अगेंस्ट हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं कल। ये बस इस जोन को हमें इग्नोर करना होगा, इस जोन को, ताकि इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग मिल जाए तो कुछ जो मतलब पुट शॉर्ट किए होंगे उनका स्टॉप लॉस होगा, तो स्टॉप लॉस के साथ साथ थोड़ा सा एक लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में, और लिक्विडिटी के साथ साथ थोड़ा सा हो सकता है ये लेवल तो हम लोग का क्लियर हो ही जाना है उसके मतलब उसके लगे एक ये वाला लेवल क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद इन लेवल्स को हम लोग थोड़ा मतलब ट्रेल करने की कोशिश करेंगे, इस लेवल तक की ट्रेड करने की पूरा खींचने की कोशिश करेंगे। अगर इतना पॉइंट्स कैप्चर हो जाता है तो मोर देन एनफ होगा, फिर बाकी का थर्सडे को देखा जाएगा। अगर रिवर्सल होना होगा तो वो भी थर्सडे को देखेंगे, नहीं तो बीच में अगर कहीं एग्जिट करना होगा, बीच में कहीं अगर एग्जिट करना होगा, ट्रेड छोटी लेनी होगी या धीमे धीमे जा रहा होगा, तो यहाँ तक का ट्रेड लेंगे फिर हम लोग। ये भी कुछ 300 पॉइंट का ये भी ट्रेड होगा,
280 पॉइंट्स का ट्रेड होगा ये हमारा, और यहाँ तक पूरा जाएगा तो 500 तक। 500 तक थोड़ा सा मतलब बहुत बुलिश डे बहुत बुलिश होता है तभी जाता है। अगर यहाँ तक थोड़ा डे स्लो होगा तो हम लोग यहाँ तक एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि निफ्टी थोड़ा बहुत तो अगर मतलब बुलिश रहना होगा डे, थोड़ा बहुत तो गैप अप खुलेगा ही, गैप अप खुलने के बाद ऊपर जाएगा। अगर ये लेवल क्लियर कर जाता है, ये लेवल क्लियर कर जाता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिलती। अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है यहाँ से, मतलब मान लो खुलता है यहाँ से, प्रॉफिट लेवल बुकिंग देखने को मिलती है इस लेवल पे, कुछ बेरिश पैटर्न या कुछ बेरिश कैंडल दिखती है, तब एक हो सकता है शॉर्ट की पोजिशन यहीं से बना के बैठ जाए। अगर नहीं मिलता है डायरेक्टली यहाँ से इसको टाप जाता है, इसको टाक जाता है इस लेवल्स को, तो हम लोग एक यहाँ पे बुलिश पोजिशन बना के बैठेंगे, यहाँ तक का पहला लेवल लेंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा मतलब मार्केट तेजी में रहती है, अगर मार्केट तेजी में बनी रहती है तो इस टारगेट तक जाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो प्रॉफिट यहीं बुक करके निकल जाएंगे। फिर हम लोग थर्सडे को देखेंगे, थर्सडे को क्या होता है, रिवर्सल होता है क्या होता है। ठीक, इसके साथ अब अगला स्टॉक्स देखते हैं। तो पहला हमारा बीपीसीएल है। बीपीसीएल कल डिस्कस किया था, बीपीसीएल डिस्कस किया था, आज देखेंगे उसमें कुछ हुआ नहीं, तो इसी बॉक्स के अंदर बना हुआ। अगर मार्केट कल बुलिश रहती है तो अपसाइड टारगेट पे भी कल फोकस कर सकते हैं, अगर डाउन गई तो यहाँ पे ये हमारा दो टारगेट्स हैं इसमें फोकस कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स देखेंगे तो यहाँ पे भी इसमें भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, दोबारा मिटा के दिखाते हैं। यहाँ पे कैंडल पेंसिल कहाँ गई, यहाँ पे देखेंगे एक हेड एंड शोल्डर हमारा बना हुआ है, राइट शोल्डर छोटा है थोड़ा हमारा। इसके बाद ये कंफर्मेशन मिला है, इस कंफर्मेशन के बाद अगर क्या होता है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा गैप अप खुल के अगर कंटिन्यू कर जाता है तो ये टारगेट लेके हम लोग कल बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस इन कैंडल्स के नीचे लगेगा। अगला स्टॉक देखते हैं हम लोग एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स हमारा बना रहा है एक इन को वो क्या कहते हैं इसको, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में अपसाइड ट्रेड भी ली जा सकती है, डाउन साइड ट्रेड भी निकल जाती है। अगर यहाँ क्लोजिंग मिल जाती है तो अपसाइड इस टारगेट तक ले सकते हैं हम लोग, डाउन साइड क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पे इस टारगेट तक ले सकते हैं हम लोग। अगला स्टॉक देखेंगे SBI। SBI भी थोड़ा सा देखने में बुलिश लग रहा है, SBI देखने में बुलिश लग रहा है। इसको भी देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर शायद नहीं बनने में दिख नहीं रहा है, बहुत अजीब सा है। छोड़ो इसको छोड़ते हैं, मतलब पैटर्न फिर भी एक थोड़ा सा बुलिश है। अगर ऐसे देखेंगे तो पूरा कप टाइप से बनाया हुआ है, एक कप से कप हैंडल छोटा सा बना रखा है। मतलब पैटर्न देखने में तो पूरा मतलब फील आ रही है बुलिश वाली। अगर ऊपर का क्लोजिंग मिलती है इसमें भी तो अपना स्टॉप लॉस इसको रखेंगे, कल यहाँ तक का ट्रेड लेंगे इसमें भी खींच सकते हैं बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी बुलिश रहेगी कल तो SBI में भी अच्छी ट्रेड मिल जाएगी ऑब्वियसली। ठीक, इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर कुछ अच्छा अभी FIDI के डेटा में कुछ अच्छा अपडेट मिलता है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो डाल देंगे, शाम को उसमें अपडेट कर देंगे। ठीक, इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि शॉर्ट्स के थ्रू कभी कभी अपनी कोई पोजिशन बनाते हैं तो उसमें अपडेट कर देते हैं, फिर वो आपके ऊपर है लेना है कि नहीं लेना है, वैसे वो होती है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। ओके, बाय।